भाई देखो हमारा टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक मीन है। टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक मीन, लेकिन बेसिक टू एडवांस है। मतलब मैं ये चाहूंगा कि बच्चा चाहे 11th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 9th का, कोई भी हो भाई, वो भी इसे समझ पाए। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे सबसे पहले, ठीक है? लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमने कराया था, आपको याद आया बेटा? ये क्वेश्चन कराया था तो ये 2017 के एडवांस में आया, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था ये। आप देखो इन क्वेश्चंस को बताने का लॉजिक ये है कि आप लोग एडवांस को लेकर मेन को लेकर ना एक राय बना लेते कि ये बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल आंसर 20 था, आप लोग एक राय बना लेते कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको उनमें से वो क्वेश्चन ढूंढने जो करे जा सकते हैं जल्दी जल्दी। तो दिस वाज वन ऑफ देम, ये करा जा सकता था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है? अब अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं बच्चों। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है भाई, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं है। जैसे आपके पास ये तीन नंबर है ए बी सी, जो एपी में है, ए बी सी आपके एपी में है, तो ए और सी के बीच में जितने भी नंबर है वो सब अर्थमेटिक मीन है। एवरेज कह लो, लेकिन और भी आसान है। आप ये देखो ए और ई के बीच में बी सी और डी तीनों अर्थमेटिक मीन माने जाएंगे। अर्थमेटिक मीन मतलब एपी की बीच में टर्म्स, ऐसे सोचो आप, समझ में आ रही है बात? अब ए और सी के बीच में कौन अर्थमेटिक मीन है? बी। आसान सी बात है ये तो, है ना? तो ये तो आसान बात हो गई बिल्कुल। और अगर अगर मैं डी और ए के बीच में अर्थमेटिक मीन बोलूं तो कौन कौन है? बी और सी है। तो अर्थमेटिक मीन दो तरह के होते हैं अगर हम देखें डायरेक्टली तो भाई, एक तो होता है सिंगल अर्थमेटिक मीन। सिंगल अर्थमेटिक मीन होता है, और एक होता है आपका मल्टीपल, मल्टीपल अर्थमेटिक मीन्स। तो अर्थमेटिक मीन सिंपल सी वो नंबर है जो एपी बनाते हैं। भाई आप ये देखो ए और सी के बीच में एक ऐसा नंबर बनाओ जिससे कि ये एबीसी एपी में आ जाए, तो बी इज अर्थमेटिक मीन। ए और डी के बीच में दो नंबर डालो जो अर्थमेटिक मीन हो, तो आप समझ जाओ ए बी सी डी आपके एपी में होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने ए और बी के बीच में। मैं ये बता रहा हूं बेटा, बच्चे पूछने एक बार दोबारा से बता रहा, मैं ये कह रहा हूं अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है जो एपी बनाए। जैसे ए और डी के बीच में ऐसे दो नंबर डाल दो जो ए बी सी डी को एपी बना दे। ए और ई के बीच में आपने तीन नंबर डाले, अब आप देखो ए बी सी डी ई तीनों एपी में होने चाहिए। जो एपी बनाएंगे वो अर्थमेटिक मीन होंगे, ऐसे जो जीपी बनाएंगे वो ज्योमेट्रिक मीन होंगे, ऐसे जो एचपी बनाएंगे वो हार्मोनिक मीन होंगे, जो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो एपी बनाएंगे वो अर्थमेटिक मीन होंगे। वॉइस लैग हो रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बेटा, मैंने क्या बोला है बाद में बताएंगे, अभी पेशेंस रखना भाई। वॉइस लैग हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए शिवम। नहीं हो रही भाई, बच्चों ने बोल दिया नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कितने अर्थमेटिक मीन डाले? जितने क्वेश्चन वाले बोलेंगे उतने डालो, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप जितने क्वेश्चन वाले बोलते हैं उतने डाल दो आप। एग्जाम्पल कहते हैं एक नंबर आपके पास ए है और एक नंबर आपके पास बी है, और आपने अर्थमेटिक मीन डाला। भी बता रहे बेटा, बता तो रहे हैं, इतने इतने आज बेसब्र क्यों हो रहे हो? मैं भाग थोड़ी रहा हूं, या आपको बेटा मंगल ग्रह पर घूमने जाना है? अभी थोड़ा पेशेंस रखो, एक दो मिनट का तो रखो, ठीक है? अब ए और बी के बीच में हमने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे, ये ए ये बी, और इनके बीच में चला अर्थमेटिक मीन वन, अर्थमेटिक मीन टू, अर्थमेटिक मीन थ्री फोर एंड सो ऑन अप टू एन। तो आप ये देखो
अगर एन टर्म्स तो ये है, और एक यहां से आई एक यहां से आई, तो अब जो रिजल्टेंट ए पी मुझे दिख रही है आज, कोऑर्डिनेटर खराब हो गए बेटा। मैं समझाने, क्या कोऑर्डिनेटर कह रहे हो आप? तो आप ये देखो, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? क्या इस एपी में आपको एन प्लस टू नंबर ऑफ टर्म्स दिखाई दे रही है बच्चों? भाई ये बताओ, क्या इस एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू दिखाई दे रही है? दूसरा, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म आपकी ए प्लस डी हो जाएगी, थर्ड टर्म आपकी ए प्लस टू डी हो जाएगी, फोर्थ टर्म आपकी ए प्लस थ्री डी हो जाएगी, और ए प्लस डी को हम ए वन भी कह सकते हैं, ए प्लस टू डी को हम ए टू भी कह सकते हैं, ठीक है, ए प्लस थ्री डी को हम ए थ्री कह सकते हैं। आप देखो, ये थ्री है तो यहां पर भी थ्री आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो, जो nth अर्थमेटिक मीन होगा, अगर मैं nth अर्थमेटिक मीन की बात करूं, क्या ये आपका ए प्लस एन डी आएगा बच्चों? भाई क्या ये ए प्लस एन डी आएगा, बताओ जल्दी से, क्या ये ए प्लस एन डी आएगा? nth अर्थमेटिक मीन ये दिख रहा है आपको, ये आएगा या नहीं आएगा? और इससे अगला नंबर क्या हो गया आर्यन बेटा, नींद में हो क्या आज? भाई फर्स्ट आपका आ रहा है ए प्लस डी, सेकेंड आ रहा है ए प्लस टू डी, थर्ड आ रहा है ए प्लस थ्री डी, तो एनथ क्या आएगा? ए प्लस एन डी नहीं आएगा? जब मुंह धो के आओ पहले जल्दी से। और इससे अगला नंबर कैसे आएगा भाई? इससे अगला नंबर अगर आपको लाना है तो प्लस डी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ? इससे अगला नंबर कैसे आएगा? अभी सुनो जो बता रहे हैं, पहले से देखो। तो आप ये देखो, हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चे? कॉमन डिफरेंस कितना आया ये देखो, सिचुएशन सुनो जरा एक बार। एक नंबर है हमारे पास वन, एक नंबर है 40, और इनके बीच में 10 अर्थमेटिक मीन डालने हैं। बात सुनो, 10 अर्थमेटिक मीन डालने हैं, 10, ठीक है? कोमल याद नहीं करनी है चीजें भाई, फॉर्मूले हम लोगों ने बनाए हैं, लेकिन फॉर्मूले आपके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे ना। सिचुएशन देखो भाई, अगर नंबर ऑफ टर्म्स एन होंगी तो एन माइनस वन आता है, लेकिन आप ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिखाई दे रही है? एन प्लस टू है ना, नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू है, तो आपका एन प्लस वन डी आएगा आपका ये। अब यहां देखो, पहले आपको 10 अर्थमेटिक मीन डालने हैं, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? बी माइनस ए अपॉन 11, तो 39 अपॉन 11 आ गया कॉमन डिफरेंस आपकी एपी का। अब अगला नंबर कैसे आएगा? 1 प्लस 39 बाई 11, उससे अगला कैसे आएगा? 1 प्लस 2 इंटू 39 बाई 11। अब बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ आराम से सारे लोग, भाई आप लोग चैट बॉक्स में बताओ मुझे सारे सारे। और एक तो ये वीडियो वीडियो ऑन कर लिया करो यार, तुम लोग जो है ना बिल्कुल नहीं पता चला 10 क्यों एग्जाम्पल लिया है भाई, बच्चे कह रहे हैं 10 क्यों ले लिया, एग्जाम्पल लिया एग्जाम्पल। एक ही बच्चा वीडियो का, सारे करो भाई जल्दी से, पहले वीडियो ऑन करो जरा एक बार, शक्लें तो देखूं मैं तुम लोगों की। हर्षित तुम घूमते क्यों रहते हो जब भी वीडियो ऑन कराते हो? तुम बेटा चौकीदार हो क्या घर के, है? चेक करके आते हो तो कहीं चूहा घुस गया, कहीं बिल्ली घुस गई। सेटअप ढूंढ रहा हूं। बाकी आओ जल्दी से, शक्लें नहीं दिखाते यहाँ पर, पता नहीं कहाँ दुख के रहते हो।
हेलो, एक मिनट लो, लेकिन शक्ल दिखाओ पहले। आर्यन अब ठीक है? बहुत बढ़िया बेटा। क्यों बेटा, आज आज गड़बड़ है कुछ? आज तुम सही काम नहीं कर रहे हो। नहीं, IIT ऑफलाइन नहीं। नहीं, बंद क्यों कर दो? पढ़ो ना आराम से। कोमल दिखा दे, बाकी भी आओ जल्दी से एक बार। भाई सबसे पहले आप लोग अपनी शक्लें दिखाओ, कौन कौन आया हुआ है जरा। अच्छा नहीं लग रहा बेटा, तो यहाँ रिश्ते थोड़ी हो रहे तुम्हारे। अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ कोई तुम्हें देखने वाले आ रहे क्या? तो अच्छा लगाना है तुम्हें, मुझे देखना है तुम्हें, मुझे सही लग रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। चलो डन है भैया। क्वेश्चन पे आओ भैया, देखो नई कहानी बताते हैं आपको आगे। ये सुनो, आप सिचुएशन देखिएगा जरा। आप, आपके पास एक नंबर है ए, एक नंबर है आपके पास बी, और आपने इनके बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे। A1, A2, A3 करते गए करते गए करते गए, लास्ट में AN आ गया। AN से पहले बच्चे क्या आया होगा? AN-1 आया होगा, AN-2 आया। मेरी बात सोच समझ के बताना। मैं कह रहा हूं आप इन दोनों को प्लस करो एंड जस्ट चेक आउट आराम से। भाई A1, क्या ये A1+AN के इक्वल है या नहीं है? क्या ये A2+AN-1 के इक्वल है या नहीं है? क्या ये A3+AN-2 के इक्वल है या नहीं? मे बी नहीं पता लग रहा हो तो यहां देखो भाई, A1 कैसे आएगा A+B करने से, और AN कैसे आएगा, पहले कैसे जाएंगे B-D करने से। तो D से D चला गया, ठीक है। तो फॉर्मूला जो बनाते हैं बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि भाई इनका सम कितना होगा, तो आप ये देखो पहला अर्थमेटिक मीन और दूसरा अर्थमेटिक, लास्ट वाला अर्थमेटिक मीन, और N/2 का तो बस, या N/2 के साथ A+B कर दो, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो जल्दी से पूछ लेना, मुझे लगता है मैंने ये पहले कराया हुआ है इसलिए मैं ज्यादा नहीं करा रहा। जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन देखना। 101 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं 199 में, ठीक है। तो इनका सम निकालना है। सम का मतलब आपको A1 चाहिए, आपको A2 चाहिए, आपको A3 चाहिए, और आपको A101 चाहिए। तो ये कैसे आएगा? 101/2। ये यूज करो या ये यूज करो, आ गया 101/50 एंड दैट इज 5050। समझ में ना आया हो तो पूछ लो भाई, पूछ लेना, क्योंकि कई बार इतनी कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे लगता है बहुत आसान आसान है और आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होता है। देखो एक दो बच्चों का डाउट आया कि भाई 1 था और 99 था, अब इनके बीच में अर्थमेटिक मीन चले हमारे। पहला अर्थमेटिक मीन A1 आया, दूसरा अर्थमेटिक मीन A2 आया, तीसरा अर्थमेटिक मीन A3 आया, चलते गए चलते गए चलते गए और 101 तक आया। 101 से पहले 100 आया होगा। आप ये देखो इन दोनों का सम
क्या 1 + 99 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये दोनों इक्वल होते हैं, अभी बताया था a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए वन प्लस ए एन के, यही को लिखा हुआ अभी बेटा, ये देखो ये लिखा हुआ, ये देखो ये देखो कैसे हुआ ये भी बताया। तो मुझे सम चाहिए इनका, तो ये हो गए 101/2 और ए वन प्लस ए एन मुझे यूज करना है, तो मैं इन दोनों को यूज करूं या मैं इन दोनों को यूज करूं, एक ही बात है। क्लियर हुआ पॉइंट नहीं हुआ जल्दी से बताओ, पर जिसका डाउट था क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगला देखो, आपको अच्छा एक डाउट आ रहा है सर, जब स्पेसिफाइड ना हो कि सम ए एन का निकालना है या पूरी टर्म, नहीं ऐसे क्यों होगा बेटा भाई, ऐसे क्यों होगा कि स्पेसिफाई क्यों नहीं करेंगे? वो कह रहे हैं जी क्वेश्चन नहीं दे रहे, बताओ आंसर निकालो, ऐसे कैसे हो जाएगा? 4 और 67 के बीच में आपको 20 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। देखो एक होता है क्लासिकल मेथड और एक होता है शॉर्टकट, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी पूछेंगे क्लियर होगा। वो यहां देखो आप ये देखो कि ये क्लासिकल मेथड क्या है कि ये आपकी A22 ये 22nd टर्म है और ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। मैं अभी फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, हालांकि मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है क्या था, B - A / N+1, तो 67 - 4 वैविध्य बेटा घर पे ही आना पड़ेगा मुझे लग रहा है, 20 + 1 कितना आया, D3 आ गया। अब बताओ अगला नंबर क्या आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, 13 आएगा, ठीक है 16 आएगा, और लास्ट क्या आएगा, 64 आएगा, सेकंड लास्ट क्या आएगा, 61 आएगा, थर्ड लास्ट क्या आएगा, 58 आएगा। कैसे आया 64? जब इधर जाओगे तो माइनस करते जाओ, इधर जा रहे हो तो प्लस करते जाओ। व्हाट्सएप चेक कर लिया बेटा, ओके व्हाट्सएप भी चेक करना पड़ेगा और देख के बताओ क्या ये सही है कि नहीं। सही है बेटा, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सम निकालने की अगर बात आती, अगर सम निकालने की बात आती तो वो भी बहुत आसान था, 20/2 करो और 4 + 67 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आ रही होगी इसके अंदर, भाई कोई परेशानी आ रही है इसमें किसी को, किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है इसमें? अब वैविध्य ये कह रहे थे, उनका जरा डाउट क्लियर कर दूं मैं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कह रही है 22 नहीं है 21 होगी, क्यों भाई एक यहां बढ़ गई एक यहां बढ़ गई, तो ये 22 होगी कि 21 होगी? अब मैं नहीं देख रहा बिल्कुल भी, आगे देखो निकालो y की वैल्यू जल्दी से बिना फॉर्म लेके, ओके भाई y की वैल्यू निकालो,
हो गया। ओके देख लिया बेटा, देख लिया, बढ़िया बढ़िया। आदन भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। बहुत बढ़िया हर्षित, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नो पूंजी गलत आंसर है। आंसर दो बेटा, जो भी आ रहा है गलत सही कोई बात नहीं, अटेम्प्ट को लेके हम अप्रिशिएट करते हैं। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, गलत है सही, आपने जो करा है मुझे शेयर करो, बताओ भी कितना आया आंसर तो बताओ। ये वैल्यू आ रही है बेटा, 3 आ रहा है बस, सामने इक्वल टू में 3 है, अगर इनको हम करते हैं तो इक्वल टू में 3 आ रहा है। मैं कर देता हूं, आप चेक करो अपना। यस यस देवांशी मिश्रिता करेक्ट आंसर। आप देखो क्या ये एक एपी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यस ये एपी है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वाई। ये हो जाएगा 2, बिल्कुल 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है बच्चों ये। 2a प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, अपॉन में देखो क्या आ रहा है। अगेन वाई बाई 2, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, पर याद होना चाहिए वाई स्क्वायर आने वाला है। अच्छा किस किस को याद है वाई स्क्वायर आने वाला है वैसे? सच सच बताना किस किस को याद था ये। भाई आपको बताया था ना ऑड नंबर्स का सम कितना होता है, जितनी टर्म्स उतने का स्क्वायर। और अगर नहीं भी याद था भाई, नहीं भी याद था तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। डरा मत करो, कॉन्फिडेंट रहा करो अपने उसमें, डरने वाली कोई बात नहीं। क्वेश्चन डन है भैया, मैं बहुत आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, मैं डिफिकल्ट नहीं करा रहा हूँ, तुम्हें पता है जनरली बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आज मैं बहुत आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ। लो कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो बेटा। बेटा यश की तबीयत खराब चल रही है इसलिए नहीं आया, यश बच्चे बीमार हो रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। वायरल चल रहा है, बच्चे बहुत बीमार हो रहे। तो क्या हो गया बेटा, ऐसी चीजें तो होती रहती, कोई बात नहीं, से क्या फर्क पड़ता है भाई। अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अनुष्का बेटा कोई आंसर नहीं आया आपका अभी तक। करो करो करो, कोई बात नहीं, करिए करिए।
आज जाते जाते एक क्वेश्चन अच्छा करवा के जाएंगे आपको। नहीं नहीं वैविध्य गलत आंसर बेटा, आप गलत कर रहे हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों ये, बहुत ही बेसिक। वेटिंग मुझे क्वेश्चन करते हुए दिखाई दो सारे के सारे, ऑन करो जरा कैमरे। अभी मुझे तीन बच्चे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं बस। ठीक है आप करो क्वेश्चन। भाई ज्यादा देर नहीं लग रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? कोई बच्चा भी नहीं है भाई, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कर पा रहा हो। बाकी शक्लें दिखाओ भाई अपनी, कौन कौन हो जरा। पार्थ, पार्थ, आर्यन, अनुष्का, भानु, देवांशी, जल्दी जल्दी दिखाओ क्या पोजीशन में, क्या दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है बताओ। पता नहीं क्या ही आएगा। अरे हर्षित तुम्हारा आंसर सही है बेटा, आपने सही काम किया है, डन। हर्षित बिल्कुल सही आपका आंसर। एक्चुअली इसमें आंसर भी दो आ रहे हैं, बट तुमने बिल्कुल सही वाला ही बताया। चलो भाई अब तो हर्षित के लिए भी कोई बात नहीं। अभी देखो बेटा ये होना चाहिए था, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्लैपिंग है, बिल्कुल बिल्कुल क्लैपिंग है भाई। कोई बात नहीं आर्यन, आप निकाल दो, हमारे कौन सा 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, हमें भी टाइम लगेगा ना। आप ही देखो कि आपके पास एक है ए, एक है बी और एक है सी। तो हम जानते हैं एपी के अंदर 2B आपका ए प्लस सी होता है, तो ये हो गया 2 log base 3 2 raised to power x माइनस का 5 इक्वल टू log 2 log ठीक है। तो यहां तो लॉग और लॉग प्लस हो गए भाई, यहां आपके लॉग और लॉग प्लस हो गए, क्या आ गया 2 raised to power x।
माइनस सेवन अपॉन टू, और इस टू को हम पावर में ले आए, आप ये देखो दोनों साइड लॉग थ्री है बेस में, तो इनको तुम कंपेयर करके खत्म कर सकते हैं। तो आपका क्या बचा, टू एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू रेस टू पावर एक्स और माइनस का सेवन बाई टू। यहां तक सही है, अच्छा जी चलो अच्छी बात है, यहां तक सही है। ये टू रेस टू पावर एक्स बार बार लिखना पड़ रहा है, मान लो ये वाई है भाई, टू रेस टू पावर एक्स को बार बार लिखने से अच्छा वाई मान लो। कोमल गलत आंसर है, कोमल आपका आंसर बेटा गलत हुआ है, बहुत मार्जिनल गलती है, लेकिन बहुत मार्जिनल। आपको दुख होगा जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा ना कि आपसे ये गलती क्यों हुई। देखिए तो हमारे पास क्या आया, वाई स्क्वायर आया, 12y आया और 32 आया। मैं फैक्टर कर सकते हो आप इसके, क्या आप इसके फैक्टर कर पाओगे, कर दो फैक्टर, फैक्टर करोगे क्या आएगा, 8 और 4 आएंगे भाई, 8 और 4 से 12 भी आ जाएगा, 32 भी आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 4। अब y क्या है, टू रेस्ट पावर एक्स है, वाई तो टू रेस्ट पावर एक्स। कोमल तुम्हारा दुख का टाइम शुरू हो गया यहां से, क्योंकि एक्स की वैल्यू थ्री आई और टू आई और आपने टू आंसर दिया है। टू आंसर क्यों नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षित, तुम्हें पता है बेटा टू आंसर क्यों नहीं हो सकता, बताओगे एक बार, क्योंकि तुमने थ्री आंसर दिया है। अगर तुम बताते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बताओ बताओ बताओ, कौन बताना चाह रहा है, हर्षित से पूछने में इन्होंने करा है क्वेश्चन, हर्षित बताओगे। अरे हर्षित फिर तुमने तुक्के में निकाले, कह रहे मैंने एक ही निकाला था, टू क्यों नहीं हो सकता, शिवम बताओ बेटा। सर क्योंकि फिर log 3 2 की पावर x माइनस 5 में नेगेटिव आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ देखो जरा शिवम ये कह रहे हैं कि सर अगर x की जगह 2 रखा तो ये 4 माइनस 5 आएगा और यहाँ पे log नेगेटिव आ जाएगा, जो कि डिफाइन ही नहीं हो सकता, नॉट अलाउड नॉट अलाउड। और बढ़िया, नहीं पकड़ा बच्चों ने, ये अच्छी बात लगी मुझे। सो आंसर होगा x इक्वल टू 3, सही बात है, क्वेश्चन ठीक था, बेसिक क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। किसी को कोई परेशानी इसमें, किसी को प्रॉब्लम थी तो पूछ लो। एक बार मैं पीपी कर देता हूँ, चेक करो। ओके वेट कर लिया, देखो आपसे भाई लॉग में ये क्वेश्चन मैंने कितने कराए जरा याद करके बताना, कम से कम 40-50 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको ऐसे वाले लॉग में। तब आपको याद इसलिए नहीं क्योंकि आप रिवीजन में नहीं जाते, आप लोग आगे भाग रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो। बिल्कुल सब बता रहे, 100 या 200 बताओ, बच्चे बता रहे 100 या 200 कराए, बिल्कुल बेटा 100 या 200 कराए होंगे, पर आप देखो कि आप अभी भी भूल पा रहे हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, इतने रजिस्टर भर गया था। एग्जैक्टली भाई लॉग से ज्यादा तो मेरे को लगता ही नहीं कोई चैप्टर कराए हमने, और हम लोग तो जल्दी जल्दी भी नहीं करा रहे, आपको बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। मैंने लॉग सारा नहीं किया बट साइन गलत कर दिया। मिश्रा बेटा रिकॉर्डिंग चेक करो आपकी, जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाली आप लॉग को देखो, अगर मैंने लॉग अपलोड करा हुआ है, लॉग बहुत इंप्रूव करेगा आपको, क्योंकि लॉग और क्वाड्रेटिक और ट्रिगो जो बेस बनाया था ना उसमें बहुत मेहनत करी गई है हमने, हमारे द्वारा। आ जाओ जरा, ये होती है टेस्टिंग, दूध का दूध पानी का पानी होगा यहाँ पर।
भन्नाट चैप्टर है, बिल्कुल भन्नाट है वो। राइटिंग तो गंदी है, मैं राइटिंग क्या करना है कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ रहा है आपको, राइटिंग गंदी होती है, कैसे कैसे मैं निकालता हूँ तुम्हें पता नहीं है क्वेश्चंस को, सुनो जरा यहाँ पे भाई, फोर्थ पावर है कॉमन डिफरेंस की, ठीक है, फोर्थ पावर है कॉमन डिफरेंस की, और एपी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, विद इंटीजर एंट्रीज, एंट्रीज का मतलब है टर्म्स, तो फोर्थ पावर है कॉमन डिफरेंस की, और उनको ऐड कर दिया प्रोडक्ट ऑफ फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ इट, मतलब कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर को चार कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी में ऐड कर दिया, तो रिजल्टिंग सम जो आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इवन नंबर का स्क्वायर होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, इंटीजर का स्क्वायर होगा, होल नंबर का स्क्वायर होगा, क्या होगा, इस तरह का कुछ ऑप्शन दिए जा सकते थे, बट मैंने प्रूफ डेट में बना दिया कि आंसर तो क्लियर है जिससे कि आप डाइवर्ट ना हो। तो इस क्वेश्चन कराता हूं मैं, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग कर पाओगे इसको, या लग रहा है किसी को तो बताओ भाई, कोई अगर कहना चाह रहा है कि नहीं मेरे में है वो बात मैं करूंगा, हो जाएगा मुझसे, किसी के अंदर जोश आ रहा हो तो बताओ। अच्छा जोश वाला बच्चा आया, अच्छा पास ने कह दिया, ठीक है ओके ओके भाई, कोई बच्चा हो तो बता दो जिसमें है, ट्राई कर सकते हैं, काम करना मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग के मन में जो आइडिया आ रहा है ना आप उसे फॉलो करो। ठीक है आप उसे फॉलो करो, मैं करता हूं यहाँ पे क्वेश्चन, एक मिनट जगह थोड़ी कम है। देखो बच्चों भाई एपी है, ठीक है एपी तो है, सारे नंबर इंटीजर है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर और प्रोडक्ट ऑफ फोर कंसेक्यूटिव। अब पहले तो मुझे ये बताओ, अगर आपसे कभी ये कहा जाए फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी लेनी है तो क्या लेनी चाहिए, फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको लेनी है एपी की, क्या लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया हर्षित, बहुत बढ़िया अनुष्का, विशित, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो बच्चों ने कहा नहीं पूंजी गलत है, ऐसे नहीं, इसमें फायदा नहीं मिलेगा। आनंद करेक्ट है बेटा, यस देवांशी करेक्ट है, पाथ करेक्ट बेटा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, ठीक है। आप ये देखो इसमें बच्चों कि क्या ये एपी है, तो आपको आंसर आना चाहिए यस ये एपी है, मैं बता रहा हूं कंसेक्यूटिव कैसे हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता ये एपी के कौन सी टर्म्स हैं, बट आप ये देखो क्या अगला नंबर प्लस डू डी करने से आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे अगला कैसे आ रहा है प्लस टू डी करने से, इससे अगला कैसे आ रहा है प्लस टू डी करने से, आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। तो ये एपी है विद कॉमन डिफरेंस टू डी, तो हमने डी कॉमन डिफरेंस नहीं लिया, हमने टू डी कॉमन डिफरेंस लिया, और ए माइनस थ्री डी कोई भी टर्म हो सकती है भाई, अगर आपको तीन टर्म लेनी होती है तो यू शुड टेक ये,
अगर पांच लेनी है, मुझे लगा था टेंथ में सिखाया गया होगा आप लोगों को ये, क्योंकि टेंथ में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, जहां तक मुझे याद है टेंथ में ये बहुत आते हैं। बिल्कुल शोभित कंफर्म करे, ऐसा होता है। अगर चार लेनी चाहिए, अगर आपको चार लेनी है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी और a माइनस थ्री डी, ये एज्यूम करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा करने के पीछे एक सिंपल लॉजिक है, तीनों को ऐड करो d खत्म हो जाता है, पांचों को ऐड करो d खत्म हो जाता है, चारों को ऐड करो d खत्म हो जाता है, तो एक एक पैटर्न डेवलप हो जाता है इसमें। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, एक मिनट, ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। बिल्कुल सीधा एक ही वैल्यू हाथ में आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर में ऐड करो इन चारों का प्रोडक्ट। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज होगा, मिश्रिता हो सकता है, अभी कंधे पे पता चलेगा क्या यूज होगा, लेट मी चेक। ठीक है, ये आ गया फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब पहले तो ये देखो क्या हमने कंडीशन पूरी करी, फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, फोर्थ पावर आ गई विद इंटीजर एंट्रीज, इस पे फोकस करेंगे, एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, हमने जो बोला था वो कर लिया, तो यहां से देखो क्या आ रहा है, 16d रेज टू पावर 4 आ रहा है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते, इन दोनों की, सिर्फ फॉर्मूला आसान हो रहा है, तो आया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो तो आएगा ए 4 माइनस 10d स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 9d रेज़ टू पावर 4। देखना सही है, एक बार चेक करके देखो, मुझे ऐसा लग रहा है यही आना चाहिए। देखो कैलकुलेशन यही आनी चाहिए ना, अब देखो कुछ करा तो है बट आंसर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप देखो 9d4 और 16d4, सर 9 माइनस में आएगा ना, 9 तो प्लस में आएगा हर्षित, भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करो प्लस में ही आएगा। अच्छा मिशिता कह रहे हो गया, बहुत अच्छे बेटा, ये आ गया 25d4। मुझे इसमें डाउट है, कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, मुझे इसमें डाउट है कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, वो जल्दी कॉन्क्लूजन पे पहुंच गए होंगे, तो बच्चों जस्ट वेट एंड वॉच एंड वेरीफाई करो, क्या ये 5d स्क्वायर, एक काम करते हैं पहले a4 लिख लेते हैं, a4 माइनस 10 a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे भी a4 को क्या लिख सकते हैं, द रिजल्ट इज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। अभी चेक करते हैं, व्हाट्सएप करो भाई, जिस जिसका हो गया व्हाट्सएप कर दो, मैं चेक करता हूं अभी। टेन एडी को रूट टेन अब लिख ले, नहीं रूट टेन मत लिखो भाई,
एक बार जरा मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ आप लोगों को जो आप भेज रहे हो। भेज दिया, जल्दी जल्दी भेजो, मैं चेक कर लेता हूँ। भाई भेज क्यों नहीं रहे आप लोग, किसी ने भेजा है क्या? दीज गाइज आर हैविंग फोन्स, होगा फोन तो होंगे शायद। एक बच्चे का आया अभी, बेटा देखो अभी गलत हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कुंजी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मिश्रिता बेटा अभी मैं बताता हूँ, ये गलत है, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, ये इसमें बहुत मिस्टेक है अभी, कोशिश बहुत अच्छी है, मैसेज की कोई दिक्कत नहीं। और बताओ भी और कौन भेज रहा है, और भेजो बेटा कोई और भेजो। ठीक है हाँ ठीक है, ये बेटा आपकी भी गलत हो गई, बिल्कुल मुझे लग रहा था यही होगा भाई, मुझे लग रहा था यही मिस्टेक आई होगी। तो आप समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको अच्छा लगेगा जिन्होंने अटेम्प्ट करा है ये कि इसमें क्या मिस्टेक थी हम लोग। भाई बच्चे ये कह रहे हैं कि ये इंटीजर है ना, ऐसे लिखा है ना, यस ये इंटीजर है, क्यों है ये इंटीजर? भाई मुझे ये प्रूफ करके बताओ आप, ये इंटीजर क्यों है, कैसे डिसाइड हुआ कि ये इंटीजर है? भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है मैं बता देता हूं। a माइनस थ्री डी इंटीजर है, a माइनस डी इंटीजर है, a प्लस डी इंटीजर है, a प्लस थ्री डी इंटीजर है, और कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर ही होगा क्योंकि इंटीजर से इंटीजर जा रहे हैं तो इंटीजर ही होगा कॉमन डिफरेंस। बस ये हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर सिर्फ ये इंटीजर है। तो इस बात से ये कैसे आपने जस्टिफाई कर दिया कि ये इंटीजर है, मुझे बताओ, ए स्क्वायर माइनस फाइव डी स्क्वायर इंटीजर कैसे है? ए और डी इंटीजर नहीं बताए गए हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या मैंने कहीं पर भी ये बोला है कि ए और डी इंटीजर है? कहीं पर भी आपके पास सिर्फ पांच चीजें इंटीजर हैं, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी और टू डी, इनसे अलग कोई इंटीजर है ही नहीं, और हम एज्यूम ही नहीं कर सकते। आप ये बताओ आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ए स्क्वायर माइनस फाइव डी स्क्वायर का स्क्वायर इंटीजर है? अनम्यूट की परमिशन दे रखी है मैंने, कोई बोलना चाहे बोल सकते हो, बोलो वैसे तो भाई दो बच्चे हैं, बोलो मिश्रिता बोलो बच्चे एक बार, कैसा लग रहा है आपको ये इंटीजर है? और किसी ने नहीं भेजा है, सिर्फ दो। अनुष्का तुम बोलो बच्चे, सर फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो टू ए आएगा ना, वो इंटीजर है। ओके ठीक है ठीक है, ये एग्री हुई बात में? भाई सुनो ये बात आई है, एक कॉन्क्रीट बात आई है, कॉन्क्रीट बात ये आई है, उन्होंने कहा है सर जब a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी दोनों इंटीजर हैं तो इनका सम भी इंटीजर होगा। यस, तो यहां से आया टू ए इंटीजर, नॉट a, टू ए इंटीजर आया बेटा, यहां से टू ए इंटीजर आ गया। अगर टू ए इंटीजर होता है तो क्या a इंटीजर होता है? अच्छा शिवम भी कुछ कह रहे हैं, एक बार शिवम की सुनते हैं। तो जब ये ऑड से मल्टीप्लाई होकर इंटीजर है तो हर ऑड नंबर पर ट्रू होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं। मिश्रिता बताओ, यहां से तो टू ए आया ना, अगर टू ए इंटीजर होता है तो क्या a इंटीजर होता है? श्योर हो आप?
टू ए इंटीजर है एग्री, बट इससे ए का इंटीजर होने की तो बात प्रूव नहीं हुई ना कहीं से भी। और कोई कुछ कहना चाहते हो बोलो, ये ओपन सेशन है, डिस्कशन है ये। अगर हम बोलेंगे तो पता चलेगा कि हम कैसे सोच रहे, क्या गलती है हमारी। अब मैं बताऊं क्या होगा भाई, अनंत, ओके अनंत की बात सुनते हैं। ए स्क्वायर माइनस फाइव डी स्क्वायर, बेटा प्लस और माइनस कैसे कर दिया आपने, आप ये बताओ। यहां तो सिर्फ माइनस माइनस है, प्लस है ही नहीं। आप ये कह रहे हो कि ये ऐसा है, और ऐसा तो ये है ही नहीं बेटा। ये प्लस कहां से आया, हमारे पास तो दोनों ही माइनस है, ठीक है। तो ये वाली बात नहीं बनी। कोशिश करो, कोशिश करो, बताओ बताओ, आपकी कोशिश को सैल्यूट है, गलत को तो ज्यादा है, क्योंकि आप कर रहे हो, ना आने के बावजूद आप कर रहे हो, ये बड़ी बात है। मैं बताऊं, आप बता दिया जाए। देखो हमारे पास ये पांच क्वांटिटी, और अभी अभी जो बताई है एक उसे भी ले लेते हैं, और टू ए भी हमारा। अच्छा एक और आया था, नहीं और कोई नहीं आया, ठीक है। किसी और ने तो नहीं भेजा, अभी नहीं भेजा, ठीक है। देखो भाई ये पांच चीजें, छह चीजें हमारे पास जो हैं। a माइनस फाइव डी इंटीजर है, इसलिए किसने कहा a माइनस फाइव डी इंटीजर है वैसे भाई। अगर a माइनस फाइव डी इंटीजर है तो क्या a स्क्वायर माइनस फाइव डी स्क्वायर इंटीजर हो जाएगा। मान गया ये इंटीजर है, तो इस बात से ये कैसे प्रूव होगा ये बताओ मुझे। a माइनस फाइव डी इंटीजर है एग्री, बट a स्क्वायर माइनस फाइव डी स्क्वायर इंटीजर कैसे, इस बात से उसका क्या लिंक है। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर है ना। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर है तो क्या इंटीजर का रूट भी इंटीजर होगा। और पहली बात तो हमें प्रूव करना है, अभी हमारा आए कहां है कि ये इंटीजर है। नहीं नहीं फंसा नहीं रहा, सच नहीं फंसा रहा, एक्चुअली मैं आपको निकाल रहा हूं। अब सुनो जरा कहानी, मिशिता जैन एक मिनट। सर टू ए प्लस टू डी इंटीजर है, टू ए प्लस टू डी इंटीजर है, ओके इंटीजर है। ए प्लस डी भी इंटीजर है, ए प्लस डी भी इंटीजर है, डी इंटीजर है तो ए भी इंटीजर होना चाहिए। नहीं डी इंटीजर कब है, क्या कहीं पर यह बात आई है डी इंटीजर है, मुझे बताओ बच्चों क्या ये बात कहीं पर आई कि डी इंटीजर है या ए इंटीजर है। कहीं पर भी हमने कहा है टू डी इंटीजर है, डी की तो बात ही नहीं आई कहीं पर भी कि डी इंटीजर है। अब सुनो इस, मैंने आपसे कहा था कि जाते जाते एक अच्छा क्वेश्चन होगा, उसमें डिस्कशन आएगी। अब वो वक्त आ गया कि आपको इसे क्लैरिफाई किया जाए कैसे होगा। चलो एक चीज और आई है बीच में, बच्चे अपनी अपनी बातें रखने, अच्छा है। सर अगर ए इंटीजर नहीं है तो उसमें कुछ नॉन इंटीजर, नहीं आप ये कैसे कह रहे हो कि इंटीजर है कि ना, तो हम ये कह रहे हैं कि ए इंटीजर है, और ना हम ये कह सकते कि ए इंटीजर नहीं है, हमें पता ही नहीं। हो सकता है, एक बार बताओ, मान लो ए तो है ये और डी है आपका ये, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो इनका सम इंटीजर आ रहा है, तो सर स्क्वायर से इंटीजर नहीं निकल सकता ना, ना 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 ऐसे नहीं। आपको प्रूफ करना है, कैसे करोगे, सर्टिफाई करनी है बात। अनम्यूट तो कर रखा है बेटा, अनम्यूट की परमिशन है, अनम्यूट की फुल परमिशन दे रखी है आज, बोलो हो गया क्लियर। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा अनुष्का कह रही सर इज अ डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर एन इंटीजर, यस डिफरेंस सम मल्टीप्लाई तीनों इंटीजर होते हैं। पता है बच्चों इसको करने का है, नहीं नहीं रिवर्स
रिवर्स मतलब इंटीजर को ब्रेक करोगे, ऐसा नहीं है। देखो डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, और इसको मैं क्या 3/2 - 1/2 नहीं लिख सकता, तो रिवर्स इज नॉट ट्रू। चलो ये भी क्लियर हो गई बात। अब मैं बता देता हूं तुम्हें भाई, आपको क्या है इनका यूज करो, कैसे भी, कैसे भी इनका यूज करो, कैसे भी मतलब कैसे भी। फैक्टर करें, अब देख के बताओ, आर यू श्योर ये इंटीजर है? आर यू श्योर ये सर? हाँ बोलो सर। a²-5d² का स्क्वायर कहाँ गया जो होल स्क्वायर पे? हाँ हम तो बेटा उस स्क्वायर की भी जरूरत नहीं ले रहे। लो देखो हम तो कह रहे हैं कि हम तो ये सही इंटीजर प्रूव कर देंगे, उसकी तो बात ही अलग है। हम कह रहे हैं ये इंटीजर है, तो क्या इसका स्क्वायर इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि ये इंटीजर है, ठीक है? तो क्या इसका स्क्वायर इंटीजर होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, होगा कि नहीं होगा? चलो एक काम करते हैं, आप कह रहे हो ना, मैं इसे ही कर देता हूँ, ठीक है? ये लो, चलो ये स्टेप आप पहले कर देते। मैं क्यों कर देता पहले, तुम्हें करना है ये स्टेप पहले। यहाँ देखो भाई, ये सही है, चालाक बच्चे कह रहे हैं पहले कर देते ये स्टेप, आप क्यों करूं मैं पहले? ये लो चलो, इसे देखो, a+3d इंटीजर है और a-3d भी इंटीजर है, श्योर हो? यहाँ दे रखा है भी, और 2d भी इंटीजर है, ठीक है? अब ये देखो इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, और इसके इसमें सम क्या हो रहा है, इंटीजर ही सम हो रहा है, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और इंटीजर का स्क्वायर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और यहां तो मैं और मुश्किल कर सकता था, ये भी कह सकता था सम जो है आपका एक नेचुरल नंबर है, ये दे सकता था मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन, सम आपका होल नंबर है, सॉरी होल नंबर दे सकता। अभी देखो ये समझ में आई बात नहीं आई, तो 5d को मैंने 9d² + 4d² लिखा, फिर ये मेरा ब्रेक हो गया, यहाँ पर 2d में भी आ गया भाई, a-3d इंटीजर है, a+3d भी इंटीजर है, ये सब इंटीजर में कन्वर्ट हो गए, श्योर कन्वर्ट हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ ये भाई समझ में आ गया ये नहीं आया, जल्दी से बताओ। अब बताओ कोई इसे क्रॉस चेक करना चाहता हो, उसे लगता है आपने a²-9d² को लिख लिया, हाँ तो क्या हुआ भाई? अगर मैंने इसको ये लिख दिया तो क्या ये गलत है? देखो छोड़ूंगा तो मैं कुछ नहीं, अनंत तुम बताओ, बोल के बता दो क्या दिक्कत है? a²-5d² को ऐसे नहीं लिखा, कैसे नहीं लिखा भाई? ये देखो ना, a²-5d² को तो लिख रहा हूं मैं, और किसे लिख रहा हूं आपके सामने? a²-5d² को तो लिख रहा हूं, एक बार स्क्वायर से इंटीजर नहीं आता ये ऐसे में। क्या कह रहे हो तुम हर्षित, दुनिया के सारे स्क्वायर इंटीजर थोड़ी होते हैं? इंटीजर का ही स्क्वायर इंटीजर आ पाएगा ना, अंदर इंटीजर होगा तभी तो इंटीजर आ पाएगा। और वैसे भी यहां बोला गया है सम इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो मुझे तो सिर्फ इसको ही इंटीजर प्रूव करना था,
पूरे को इंटीजर प्रूव भी नहीं करना था, इरेशनल का भी हो सकता है, लेकिन आप लैंग्वेज तो देखो, सम इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे तो सिर्फ इसे इसे इंटीजर प्रूव करना था, यही तो इंटीजर प्रूव करना है, मुझे जरूरत ही नहीं स्क्वायर को प्रूव करने की। a माइनस फाइव डी इज इंटीजर ना, नॉट श्योर, प्रूव करो ना a माइनस फाइव डी इंटीजर है, कैसे? अच्छा वो तो हो जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन a स्क्वायर माइनस फाइव डी स्क्वायर थोड़ी हो रहा है यहाँ पर भाई। आप ये देखो ना, आप दो चीजों को कैसे मिक्स कर रहे हो, आप इसको इससे रिलेट कैसे कर सकते हो डायरेक्टली, ये बताओ, ये तो नहीं होना ना। अगर a माइनस फाइव डी है तो a स्क्वायर माइनस फाइव डी स्क्वायर थोड़ी होगा, जरूरी है? एग्जाम्पल दो इसका, इसका एग्जाम्पल दो, a माइनस फाइव डी इंटीजर बट इनके स्क्वायर नहीं है, एग्जाम्पल दो इसका है? जरा a की वैल्यू 5 बाई टू और d की वैल्यू 1 बाई टू और लेके यहां पुट कर लो, पता नहीं क्या आएगा। हर्षित भाई का हेयर स्टाइल सेट नहीं हो रहा, क्या कर रहा है ये, क्या हो गया बेटा, बालों में कोई दिक्कत हो गई, चूहा हुआ घुस गया क्या इसमें कुछ? a और d अभी इंटीजर प्रूव नहीं हुए ना, हमने a और d इंटीजर प्रूव करने ही नहीं थे, क्या हमने कभी भी ये बोला कि हम a और d को इंटीजर प्रूव करने वाले हैं, कभी भी? अच्छा गर्मी लगती है तो इसमें एसी चल जाता है ऐसे कर, क्वेश्चन से गर्मी आ गई बेटा है, हीट पे आ गए तुम बिल्कुल एकदम। चलो डन है भाई, क्वेश्चन यही कि था वैसे आज का बढ़िया।